बुधवार को तेज रफ्तार से आए तूफान से ताजमहल में भारी नुकसान हुआ है। यहाँ की दो मीनारें गिर गईं, एक रॉयल गेट और दूसरी दक्षिणी के गेट की मीनार गिरी है। यहाँ लगे कलश भी गिरकर टूट गए। इसके अलावा मुख्य गुंबद पर लगे कुछ पत्थर भी टूटकर नीचे गिर गए। वहीं फोरकोर्ट में खड़ा नीम का पेड़ भी धराशायी हो गया। कुछ दिन पूर्व 6 मार्च को रॉयल गेट के कुछ पत्थर टूटकर नीचे गिरे थे। बुधवार को तेज आंधी में गेट के साइड की मीनार भरभराकर नीचे गिर पड़ी। इसके अलावा दक्षिणी गेट की भी एक मीनार टूटकर नीचे गिर गई। वहीं फोरकोर्ट में लगा वर्षों पुराना नीम का एक पेड़ भी तूफान की भेंट चढ़ गया। इसके किनारे बना चबूतरा तहस नहस हो गया। रॉयल गेट और दक्षिणी गेट पर लगे कलश टूटकर नीचे गिर गए। ताजमहल के मुख्य गुंबद पर लगे कुछ पत्थर भी तेज आंधी में नीचे आ गिरे। अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर भुवन विक्रम ने बताया कि मीनारों और पेड़ के गिरने के कारण काफी नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आशंका जताई कि आंधी से कुछ और भी नुकसान हुआ होगा, इसका भी पता लगाया जा रहा है। कर्मचारियों को मौके पर भेज दिया गया है।